उफो, किधर रह गई थी? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इतना लेट क्यों आती हो? मरियम ने नीता को आता हुआ देख के गुस्से से कहा। ओ यार, बस आज लेट हो गई, चलो क्लास में चलते हैं, आगे देर हो गया। नीता ने रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा। प्रोफेसर जुल्फकार नहीं आए आज, पहली क्लास नहीं होगी, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है, आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चलो कैंटीन चलते हैं। मरियम ने इसे जट से प्लान बनाया। चलो फिर, चलते हुए मरियम की टक्कर बहुत ही सर्द हुई, सर चकरा गया, हाथ में पकड़ी दोनों बग जमीन बेहोश हुई। उफ मेरे अल्लाह, आंधी हो क्या, देर कर नहीं चल सकते, आंखें किसी को डोनेट कर कर आए हो? उसे से माथे पर हाथ रख के बिना सामने वाले को देखे वो बगैर बोले, सेम टू यू, स्पॉटलाइट में क्या था, तो आगे बढ़ा। हाउ डेयर यू इडियट, मरियम पलटी, पर वो ये जा और वो जा। छोड़ ना मरियम, कैंटीन चलते हैं, भूख लगी है। नीता ने मरियम की गिरी हुई बुक्स उठाई और कैंटीन की जानब कदम बढ़ाया। क्या हुआ रजा, रब्ता क्यों कटा? कैंटीन रजा जो कि ब्लूटूथ से मजे सिकंदर से मुहि गुफ्तगु था, अचानक लड़की से टकराने से कॉल कट गई, लेकिन वहां से हटते दोबारा कॉल मिलाए। कुछ नहीं सर, बस वो किसी लड़के से टकराव हो गया। संभल कर बच्चे, वहां किसी पर भरोसा ना करना और ना ही आंखें और कान बंद रखना, दुश्मन का गैंग बहुत बड़ा है, इसलिए हर लम्हे चौंकना रहना, मेजर सिकंदर ने समझाया। जी सर, बिल्कुल। रजा बहुत ही संजीदा हुआ और थोड़ी देर बाद ही फोन बंद कर दिया। अब उसका रुख कैंटीन की तरफ था। घर में गैर मामूली खामोशी थी, सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। अभियान और शावेद साहब काफी जा चुके थे, जबकि परवेज साहब आज भी तबीयत खराबी की वजह से ना जा सके। स्टडी रूम में वो गोद में किताब रख के मसलसल सोचों में गुम थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह चौंके। माहिर उनके पास आई। अंकल, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे, झिझकते हुए कहा। जी बेटा, कहें। ग्लासेस उतारकर उन्होंने गोद में रखे। अंकल, मुझे नहीं पता आपने ये इतना बड़ा फैसला इतना अचानक क्यों ले लिया, जबकि आप ना कुछ मेरे बारे में जानते हैं ना मेरे घर वालों के बारे में, और अब आप ये रिसेप्शन करना चाह रहे हैं, और शाह वेस अंकल और आपके बीच मेरी वजह से इतनी बहस हो गई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्लीज़ आप मेरी वजह से उनसे कुछ ना कहें। लहजा नम हो गया। माहिर परवेज साहब के आगे घुटनों के बल बैठ चुके थे। बेटा, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रही हैं, यह सब आपकी वजह से नहीं हो रहा, खुद को इल्ज़ाम ना दे। और रही बात कि आपके बारे में जानता नहीं, आपकी फैमिली को नहीं जानता, तो ऐसा कुछ नहीं, जितना मैं जानता हूँ आपके और आपकी फैमिली के बारे में, शायद इतना आप भी नहीं जानते। आपको अभियान की जिंदगी में लाने के फैसले पर ना कल कोई पछतावा था, ना ही कभी होगा। परवेज साहब की बातों ने माहिर को एक बार फिर से चुप लगा दी, वही चुप जो नगा के वक्त लगी थी। नजरें एक बार फिर से झुकी। बेटा, आज नहीं तो कुछ दिन बाद सही, रिसेप्शन तो होगा, और मैं अपने फैसले पर रद्द बदल का काहे नहीं। बहुत सीधे साधे लफ्जों में वो अपनी अहमियत वाजा कर चुके थे। माहिर मजीद कुछ ना बोल सकी, अपने कमरे में आ गई। उसकी वजह से दो भाई आपस में दूर हो रहे थे, इसे इस बात का शदीद कलक था, लेकिन वो बेबस थे, ना अपनों से रब्ता कर पा रही थी, ना यहाँ से जा पा रही थी, अजीब कशमकश में थे। क्या कर रही हो इतनी देर से मोबाइल पर, छोड़ भी दो, अभी ऑफ टाइम हो जाएगा। निदा ने मरियम को टोका जब मोबाइल पर नावल पढ़ रही थी। यार, बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, जन्नत के पत्ते, सस्पेंस है, अब राज खुलने वाला है, जहाज का दरगाह, वो सीगर एजेंट है, हम सब हैं, बम धमाका होगा, ब्लेम पढ़ने दो, प्लीज पढ़ने दो, खुदारा बस कर दो यार, सीगर एजेंट भी क्या बहुत बड़ी तोप चीज होती है जो सब पर बम फोड़ेगा। निदा ने झुंझलाए हुए मजाक उड़ाया। लो, तुम्हें नहीं पता सिगरा एजेंट का, वो वाकई बहुत बड़ी बड़ी तोप चीज होते हैं, ये अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे इर्द गिर्द भी हो सकते हैं, किसी भी रूम में, किसी बकारी के रूम में, हवाजा सीरा के रूम में, सब्जी फरोश या मजदूर, किसी भी रूम में, लेकिन हम उन्हें पहचाने जाते। दोनों चलती चलती बातें करती जा रही थी। अब वो देखो दूर, वो सामने, मरियम ने नीता को इशारे सामने देखने को कहा। वो यूनिवर्सिटी गेट से बाहर खड़ी थी, छुट्टी का टाइम था। नीता ने सामने देखा तो एक बहुत ही बड़ा जईफ बूढ़ा लाचार मजदूर बंदा फुटपाथ पर बैठा हुआ था, फटे पुराने कपड़ों में, आगे चंदे के लिए कटवाड़ा रखा हुआ था। मरियम की आंखों में एक चमक थी। अब तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है, आईब्रो चाकर पूछा। बकारी और कौन, निधन ने जैसे उसकी अकल पर मातम करते हुए कहा। जी नहीं, वो बकारी के रूप में मोहब्बर है, खुफिया जेंट्स का, मरियम ने उसके काम में सरगोशी की। निदा ने आंखें फाड़े, पहले उस बेकारी को देखा फिर मरियम को, उसकी आंखों में बेचैनी थी। एमें कुछ नहीं, वो बेकारी है मरियम, डेट्स इट। ना मानो, मेरी गाड़ी आ गई है, मैं चली, सी यू टुमारो। मरियम हाथ जाड़ती अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। निंदा वहीं पर खड़ी अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी। मिशा अपने दोस्त के साथ जरूरी नोट्स के लिए उसके घर जा चुके थे, इसलिए आज वापसी पर वो अकेली थी। काफी देर हो गई थी इंतजार करते, लेकिन गाड़ी ना आ रही थी। यूं ही नीता के दिमाग में शरारत आ गई, धीरे धीरे चलती उस गाड़ी के पास गई और उसे अपनी नजर से जांचा, और फिर भी मोबाइल कान से लगाए ड्रामा करने लगी, जबकि ध्यान बेकारी पर था।
हाँ काम हो गया ना, बम लगा दिया ना सब जगह। ठीक है, जब मेरी कॉल आए तो यहीं ब्लास्ट करना, मेरी अगली कॉल का वेट करो। बड़ी राजदारी से निदा ने फोन पर कहा, फिर कुछ देर वहीं पर खड़ी बेकारी की हरकत व सकना का जायजा लेती रही, लेकिन कुछ भी आहस ना कर पाई। तभी निदा की गाड़ी आ गई, वो सारा झटका घर में बैठ गई, मुड़ कर एक नजर बेकारी पर डाली, नफी में गर्दन हिलाई, गाड़ी अपनी मंजिल की जान गामजन हो गई। जबकि निदा को ये नहीं पता था कि वो कितनी मुसीबत मोल ले चुकी है और अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही मरियम कुछ भी बोलती है, कोई भी बेकारी एजेंट्स नहीं होते। अभी वो मोबाइल निकाल कर हैंड फ्री कान में लगा ही देती कि गाड़ी झटके से रुकी। क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रुकी? माते बाप बल्लाए, ड्राइवर कोई जवाब देता कि इतने में दो नकाबपोश आगे आए, ड्राइवर के सर पर मारा, वो वहीं पर बेहोश हो गया। और निदा हरासा सी यह कार्रवाई देख रहे थे। उनमें से एक नकाबपोश निदा के जाना बड़ा, निदा ने बेहयाली में जड़ से पीछे हुई, लेकिन एक नकाबपोश निदा को क्लोरोफॉर्म सुंगा चुका था और निदा की आंखें बंद होती चली गई। वो नकाबपोश निदा को अपनी गाड़ी में ले गया और मोबाइल निदा के हाथ से गाड़ी में ही छूट चुका था। सड़क वीरान थी, उस सारी कार्रवाई में सिर्फ 2 से 5 मिनट का टाइम लगा था। फिर से वही खामोशी का राज। हाँ बोलो सर, काम हो गया। ब्लूटूथ डिवाइस से कान आवाज कानों में पड़ी। गुड जॉब। मेजर सिकंदर की आंखों में एक बाजा चमक दी। मंथल अब दूर नहीं, रात को वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का घेराव करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये बम धमाके की न्यूज मेजर सिकंदर को मंथल के और करीब ले गई। यही सोचते हुए अपनी गाड़ी के जाना बड़ा। मीटिंग के बाद वो अपने कैबिन में वापस आया। सारा स्टाफ अलर्ट था, उसके रोब व दबदबे से पूरा स्टाफ एक लम्हे के लिए आगे पीछे नहीं हो सकता था। आज फरहान क्लाइंट के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और फाइनली वो कामयाब हो गई थी। अब वो रिलैक्स चेयर के साथ टेक लगाए आंखें मोते बैठा था। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वो मसलसा माहिर के बारे में सोच रहा था, इतना ही बेचैन रहा था। और वो हता जो एक लम्हे वो बहका था, पर से आंखें खोल दी। नहीं, मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोचने लगा? वो वक्त दूर नहीं जब उसे उसके घर जाना होगा। अभियान खुद को बावर करवा था, लेकिन दिल था कि अजीब ले पर धड़क रहा था। उस लड़की को जाना होगा, हाँ जानना होगा, और मामा बाबा के सामने उसकी असलियत लानी होगी। उसे जानना होगा। वो बार बार खुद को यकीन दहानी नहीं करवा रहा था, ये समझे बगैर कि जो एक बार दिल में बस जाए वो दिल से निकाले नहीं जाते। मोबाइल की बेल पर वो चौंका और कान से लगाई। हेलो जी मामा, क्या कह रही हैं आप? ये जड़ से नजर सामने लगी क्लॉक पर डाली, जहां पर 3 बजे थे। फौरन से मोबाइल कान से हटाया, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ लपका। दिल और दिमाग दोनों परेशान थे। आंटी प्लीज हौसला रखिए, नीता वापस आ जाएगी, माही ने सरबत बेगम को हौसला दिया। फरमा बेगम भी वहीं पर थी, अभी भी मिशाल वापस लौटी थी तो सबको पता लगा कि निदा मिसिंग है और साथ में ड्राइवर का भी कुछ पता नहीं। निदा के मोबाइल पर मसलसल कॉल की जा रही थी, लेकिन कोई नहीं उठा रहा था और ड्राइवर कॉल पिक कर रहा था। सभी परेशान थे। शावेद साहब एक अहम मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे। हूर और नूर भी परेशान वहीं पर बैठी थी। बेटे से बात करने के बाद भी सरबत बेगम को तसली ना हुई थी, मजीद दिल घबराने लगा था। हमारे तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, न जाने कहाँ चले गई है मेरी निदा, न जाने किस हाल में होगी। भाभी हौसला रखे, अभियान आता होगा, पता लग जाएगा। फरवा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, खुदा मेरी बच्ची की हिफाजत करे। सरबत बेगम फरवा के गले लगी और प्रवेश साहब मसलसल फोन पर बिजी थे। धीरे धीरे दिमाग जागने लगा, सर भारी हो रहा था। आंखें खोलने की बामुश्किल कोशिश की जो किसी हद तक कामयाब रही। आंखों के पेवोटे खुले तो सामने बैठा एक शख्स नजर आया। अंधेरे की वजह से निदा उसका चेहरा ना देख पाई, जबकि खुद वर्डोसू में जकड़ी हुई थी। चेयर पर बैठी होश हवास में वापस आ चुके थे। कौन हो तुम? बामुश्किल अल्फाज अदा कर सकी। उस शख्स ने टांग पर टांग जमाई और मेज पर कोहनी टका कर 2 उंगलियां थोड़ी के नीचे टका कर वो निदा की तरफ मतवजा हुआ। निदा रस्सियां खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी, आंखों में वहशत थी। प्लीज मुझे जाने दो, कौन हो तुम और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? आपकी बार निदा रोते हुए बोली थी। क्या प्लान है तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का? सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, पूरा पूरा सच बता दो। उस शख्स ने निदा की बोलती बंद कर दिया। इतनी बारोब और सहर अंगेज आवाज, निदा की आंखें हैरत से फटने के करीब हो गई थी। कौन सा प्लान, कौन से साथी? निदा को ठंडे पसीने लगे थे। वकील लगू के हाथ चढ़ गए थे। 4 मिनट, वही गंभीर आवाज गूंजी अंधेरे कमरे में। प्लीज मुझे जाने दो, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैं निदा को कुछ समझ न आया कि क्या बोले। 3 मिनट, सर्द मेरे लिए वह आवाज फिर सपाट लहजे में गूंजी। कौन था वो और क्या चाहता था? निदा का दिमाग माउफ हो चुका था। आप? निदा की जुबान कंग होगी। 2 मिनट, सर्द लहजा फिर से वही कड़क और गंभीर आवाज। निदा के दिल की धड़कन बहुत ही तेज रफ्तार से चलने लगी। न जाने आगे क्या होने वाला था। अंधेरे की वजह से खामोशी अलग,
उसके दिमाग और कान में घंटियां बजाने लगी। सर चकरा सा गया था। 1 मिनट की आवाज उसकी समातों से टकराई या नहीं उसे नहीं पता था। बस वो यही सोचे जा रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है उसके साथ। निदा ने देखा, वह शख्स अपनी जगह से उठा। एक लम्हे में निदा के दिल में धड़कन अथल पथल हुई, डर आंखों में वाजह नजर आ था। वो शख्स आगे बढ़ा, 0 वार के बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे का कुछ हिस्सा नजर आया जो ज्यादा वाजह न था। आधा हिस्सा अभी भी ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी जिनमें निदा को अपनी मौत ही नजर आई। खून हुश हो गया। उस शख्स ने लोडेड गन टेबल पर रखी और एक स्पॉट नजर सामने बैठी खूबसूरत लड़की पर डाले। आखिरी चांस है तुम्हारे पास, अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं निदा को लगा अभी ना बताया तो वो गोली मार देगा। पानी, निदा जैसे होश हवास खोने लगी, उसके गले में जैसे कांटे चुभने लगे। उसे लगा कि बोला नहीं जाएगा उससे। पानी का जग पास टेबल पर ही पड़ा था। उस शख्स ने जग का सारा पानी निदा के चेहरे पर उछाल दिया। निदा इसे अचानक अफ्तार से सख्त बौखलाई। सामने वाले की आंखों में साथी उसके गुस्से का पता दे रही थी। ज्यादा ड्रामे मत करो और फटाफट बोलो सब। वो शख्स अब गुस्से की आखिरी इंतहा पाता और निदा को ऐसा ही लगा। मेरा नाम निदा निदा परवेज है। बाबा का एक भाई और एक बहन। निदा फट से अपना बायोडाटा देने लगी। उस शख्स को मसीत गुस्सा आने लगा। बम कहाँ पर ब्लास्ट करने वाले हो, लोकेशन बताओ। उस शख्स ने निदा के जबड़ों को अपनी मुट्ठी में दबोचा। बम कौन सा बम? निदा की आंखें और दिमाग पूरी तरह से खुल चुका था। अब डर के साथ साथ अब वो इत्मीनान से बोली, वही जो ब्लास्ट करने वाले हो, बताओ वरना। उस शख्स ने बोलते हुए गन उठाई और निदा के कान पट्टी पर रखी। निदा का जो थोड़ा बहुत इत्मीनान बहाल हुआ था वो फिर से कहीं जास हुआ। सांस भी अटकटकार थी। मैं सिर्फ 5 मिनट तक गिनूंगा, उसके बाद ये गोली चलेगी। 1 2 वो गिनती शुरू कर चुका था। देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है, कोई बम नहीं ब्लास्ट करने वाला, प्लीज मेरा यकीन करें, आपको कोई गलत फहमी हुई है, जल्दी जल्दी वो अटकती हुई बोलती गई थी। कूल बर्ड, उस शख्स ने ऊंची आवाज में किसी को पुकारा। जड़ से एक भिखारी वहां पर आ गया। उसे देखते ही निदा के 14 तबक रोशन हो गए। दिमाग पर बिजलियां गिरी। सिक्र अजन मरियम की आवाज की बात कर छोड़ लगी। क्या सुना था तुमने, बताओ। उस शख्स ने मनोहर सारी बात बता दी जो निदा के फोन पर कहा था। अब निदा को अपनी गलती बल्कि संगीन गलती का एहसास हुआ। एक छोटा सा मजाक उसे कहां से कहां ले आया था। आप पुलिस वाले हो, निदा ने तू निकल कहा। वह बकारी इशारा मिलते जा चुका था। अब शख्स निदा के बिल्कुल सामने टेबल पर बैठा हुआ था। वो बहुत ही करीब था लेकिन निदा उसकी ग्रीन आंखों को नहीं देख पा रही थी। बाकी का चेहरा ढका हुआ था। अब झूठ की कोई भी गुंजाइश नहीं बची, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सब कुछ सच सच बता दो, आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोलता वो स्पॉट लेजर निदा को सहमा गया था। आंखों में डर और खौफ था। शाम 4 बजे अभियान घर में दाल हुआ। थका हारा सरबत बेगम बात भी अभियान के पास गई। अभियान, निदा कहाँ है, उसे साथ नहीं लाए, कहाँ है मेरी बच्ची? सरबत बेगम अभियान को जोड़ जोड़ती हुई बोली, मामा प्लीज संभाले खुद को, पुलिस ढूंढ रही है, आप प्लीज हौसला रखे। अभियान ने माँ से ज्यादा खुद को तसली दी और सरबत बेगम को गले से लगाया। मिशाल फर्श से पानी ले आई। अभियान ने जबरदस्ती माँ को पानी पिलाया। प्रवेश साहब यूं तो अभियान से बात नहीं कर रहे थे, दिल में नाराज थे, लेकिन इस लम्बे वो टूटे बिखरे हुए थे। बेटी का गायब हो जाना प्रवेश साहब को अंदर से मार गया था। अभियान चलता हुआ बाप के पास घुटनों के बल बैठा। बाबा, निदा मिल जाएगी, आप भरोसा रखें खुदा पर। अभियान ने बाप को हौसला दिया। प्रवेश साहब ने आंखें साथी से मूंदी, आंसू जब्त किए कि तभी पुलिस वाले आ गए। सर, इंस्पेक्टर फयाज ने अभियान को पुकारा, सब मुतवजह है, हमने हर तरफ नाकाबंदी करवा दिया, ड्राइवर का बयान ले लिया, उसके बयान से यही लग रहा था कि आपकी बेटी किडनेप्ड हुई है। इंस्पेक्टर फयाज ठहरे लहजे में बोला, सबका दिल धड़का गया। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बहन हर हाल में वापस चाहिए, अभियान ने अपने जज्बात को काबू रखे हुए सब से कहा। देखिए, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आप बस ध्यान रखिएगा, जिसने भी किडनैप किया ना, या दुश्मनी में किया या पैसों के लिए, हमें किडनैपर्स के फोन कॉल का इंतजार करना होगा, प्लीज अपने माहिराना अंदाज में बोले। दुश्मनी? अभियान जिले लग दुराया, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बेटी को जल्द अज जल्द ढूंढे। प्रवेश साहब ने कड़क लहजे में बोला, सर आप प्लीज हमारे साथ तावन करें, आपको कोई भी फोन आता है आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। इंस्पेक्टर फयाज अपनी बोल का जा चुका था। सभी परेशान हाल थे। अभियान के कान दुश्मनी पर हिटक गए, आंखों में कहर था और नजरें माहिर पर थी। जैसे माहिर ने भी महसूस किया था, वो अभी उसकी नजरों से उलझ गई थी। निदा ने एक लम्हे की देर लगाए बगैर सब कुछ साथ साथ बता दिया कि सिर्फ एक मजाक था। मेजर सिकंदर को उसकी बात पर यकीन तो ना आया, लेकिन एक लम्हे को वो सोच में पड़ गया, भला ऐसे कैसे मुमकिन था, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो। मेजर सिकंदर ने सख्त लहजे में कहा, जी प्लीज मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ यही चेक करने के लिए किया था कि वो फकीर वाकई फकीर है या खुफिया एजेंट का बंदा, और मुझे से गलती हो गई। निदा की मुसीबत की इंतहा थी।
सिकंदर तो बस एक नज़र से देखे गया। वो इंतहा की मासूमती सिकंदर ने उसकी आंखों में देखा, वो उसे हिप्नोटाइज करने लगा और कमजोर साहब की मालिक उसकी आंखों से हिप्नोटाइज हो गई। अब सिकंदर उसे स्वागत करने लगा, उसने वही सारे जवाब दिए जो उसने होश हवास में बताया। उसका मतलब था कि ये लड़की सच कह रही थी। सिकंदर ने उसकी रस्सियाँ खोल दी। भाई का नाम बताओ, सिकंदर के अल्फाज मुझे अब्बेहान भाई और नोफल भाई। नोफल के नाम पर सिकंदर को झटका लगा। ये मेजर नोफल दबाव में स्पार्क हुआ, निदा बीबी हिप्नोटाइज थी। नोफल कौन, क्या करता है, एक डर था सवाल में। वो आर्मी में है, सीधे साधे जवाब, पूरा नाम बताओ। अब शक मजीद बढ़ा, सिकंदर चौंकना हुआ, मेजर नोफल अली खान। शक यकीनी बदल चुका था, ये वही था चौधरी वकार हुसैन का सगा बेटा नोफल वकार हुसैन। सिकंदर अच्छे से जानता था कि सिकंदर का नोफल से कुछ भी नहीं छुपा हुआ था, सिकंदर उसकी सारी सच्चाई जानता था, लेकिन दुनिया वाले के लिए वो नोफल अली खान ही था। सिकंदर ने आला बेचे और निदा को हिप्नोटाइज से बाहर निकाला। होश में आते ही निदा ने देखा कि उसके हाथ खुल चुके हैं और वो शख्स वहां से गायब था। अपनी कलाइयों को दबाया, हल्का हल्का दर्द था, खुद पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा बचपना कैसे कर सकती है। इतनी बड़ी हमाकत अपने साथ वो खुद पूरा कर चुकी थी। सब घर वाले कितने परेशान हो गए, न जाने कितना टाइम हो गया था। निदा ने इधर उधर देखा, हल्की हल्की रोशनी थी लेकिन सन्नाटा था हर शोर। रात का अंधेरा फैलने लगा, ना ही कोई फोन आया था और ना ही पुलिस की तरफ से कोई इतला। अब तो सब यही सोचने लगे कि हर किसी ने दुश्मनी निकाली। सरबत बेगम को मेडिसिन देकर सुला दिया था, पर वे सब अभी भी परेशान थे और नजरें फोन पर थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सबके दिल बैठे जा रहे थे। सरबत बेगम ने फोन पर शावे सबको इतला दे दी और वापस के सफर पर थे। अपने अपने असर रसू इस्तेमाल में ला रहे थे लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अब यहाँ सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। गाड़ी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली थी, जहाँ पर गाड़ी में निदा गायब हुई थी। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, कहीं कोई भी सबूत ना मिला। अभियान भी इन्हीं जगहों पर हवार हो रहा था, लेकिन हर गुजरते लम्हे में उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, हिम्मत हारता जा रहा था। जिसने भी किडनैप किया ना, यह दुश्मनी में किया है, पैसों के लिए। इंस्पेक्टर फयाज की बातें दिमाग में गर्दिश करने लगी। कोई फोन कॉल नहीं आई थी, मतलब पैसों के लिए किडनैप नहीं किया गया था, दुश्मनी किसी से नहीं थी। हाँ थी तो नई नई दुश्मनी शुरू हुई। अभियान ने लबेचे और गाड़ी गाड़ के रोड पर डाल दिए। अल्लाह हैर करे, हमारी निदा को अल्लाह अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। रोती मिशाल को माहिर ने तसली दी, रो रो कर मिशाल की आंखें सूज गई थी। नूर भी मिशाल के पास ही बैठी थी जबकि हुड वहां पर नहीं थी। मेरी बहन बहुत मासूम है, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ आई। अगर मैं उसे ना छोड़ती वहां तो आज वो गायब होती। मैंने क्यों की लापरवाही, प्लीज आप खुद के इल्जाम ना दे, सब अल्लाह की तरफ से होता है, यह आजमाइश है, मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। माहिर भी नरम दिल के हाथों मजबूर मिशाल के आंसू साफ करने लगे। मिशाल के आंसू उससे अपने दिल पर महसूस हो रहे थे। तभी अभियान घर में दर्द हुआ, तीनों चौंके। गुस्सा अभियान के चेहरे पर वाजा था, वो आगे बढ़ा और माहिर को बाजू से जकड़ा और ऊपर रूम की जाने बढ़ा। माहिर उसकी हरकत पर बौखलाई, उसे समझ न आया कि ये अचानक अभियान को हुआ क्या है। अभियान ने उसे रूम में लाकर बेड पर पटा और रूम का डोर लॉक किया। माहिर को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। बोलो कहाँ है मेरी बहन, अभियान ने माहिर को कंधों से पकड़कर झंझोर डाला। अभियान की बात ने माहिर को सुन कर दिया था। बोलो कहाँ है मेरी बहन, आपके लहजे में ज्यादा गुस्सा था। माहिर यकदम होश में आई, वो पागल हो गए हैं क्या, मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। माहिर ने अभियान के गिफ्ट से निकलने की नाकाम कोशिश की। मेरे साथ ड्रामे मत करो और बताओ मुझे निदा कहाँ है। अभियान ने माहिर को बेड पर दिखा दिया, वो मुंह के बाल जाकर गिरी। अभियान ने उसे बाल से पकड़कर उसका रूह अपनी तरफ किया। छोड़े मुझे, माहिर डर से तड़प गई। मेरे गुस्से का हवा मत दो लड़की, वरना जान से जाओगे। अभियान के सख्त वस्पाट लहजे के कहे भी अल्फाज माहिर के चौथा तबक रोशन कर गए। ये क्या बोल रहे हैं आप, माहिर हैरान परेशान रह गई। सीधी तरह बताती हो या। अभियान ने उसके चेहरे को मुट्ठी में दबोचा। मुझे नहीं पता, बामुश्का खुद को छुपाते हुए बोली। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है, तुम ही हो ना जान जो हमारे घर को बर्बाद करने आई हो। बाबा को तुमने अपनी मासूमियत के जामे फंसा लिया, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ, इसलिए सीधी तरह से सच सच बता दो कि क्या प्लान है तुम्हारा। वो कहाँ है मेरी बहन, अभियान बिना किसी लगी पट्टी के सीधे मुद्दे पर आया। अब बर्दाश्त खत्म हो गए थे। मैं नहीं जानती कुछ भी, प्लीज मत कर इस तरह मेरे साथ, मैंने कुछ भी नहीं किया। माही की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर से ड्रामे, अभियान गुस्से से फनकारा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दे, हिम्मत करके माहिर आंसू जब्त करती दरवाजे की जाने बढ़ी तो अभियान ने गुस्से से उसकी बाजू से पकड़ कर उसे पिता और झटका दिया। इतनी आसानी से तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं, तुम और तुम्हारा वो बाप। क्या लगता है कि मैं ये साजिश समझ नहीं पाऊंगा, ऐन शादी के दिन तुम्हारा वहां से भागना और हमारे घर में मेरी जिंदगी में एंटर होना।
क्या यह साजिश का हिस्सा नहीं? और फिर अब निदा का गायब करवाना, जरूर इसमें तुम और तुम्हारा बाप दोनों शामिल है। अभ्या ने सब कुछ से ही आहस का लिया था। माही तो उसकी बातें सुनती हुई शशधर रह गई थी। भला वो इतना बदगुमान कैसे हो सकता है? मैं जानबूझकर ना ही आपके घर आई हूँ ना ही आपकी जिंदगी में, वो आंसू जब्त करते हुए बोले। अच्छा, तुमने कहा और मैंने मान लिया। अमेजिंग, सच सच बताओ कहाँ है निदा, वरना जान से मार डालूंगा, वह घुराया। मैं नहीं जानती, छोड़ो मुझे, वो दर्द से बिलबिलाए थे। दर्द दर्द तो अब होगा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगी। गुस्सीले लहजे में कहता वो माहिर का खून होश कर गया था। उसकी बाबा की धमकियों से माहिर को भी गुस्सा सहने लगा। मैं अभी आपको आखिरी बार बोल रही हूँ कि मुझे निंदा के बारे में कुछ नहीं पता, यकीन करें या ना करें आपकी मर्जी। उसकी बाबा अभियान का दिमाग बुरता से घुमा था। तुम समझते क्या हो खुद को? अभिया ने माहिर का हाथ कमर के पीछे ले जाकर मरोड़ा। माहिर तड़प गई। छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। इस बार माहिर दर्द जब्त ना कर सकी। अभियान ने उसे जोर से पीछे की तरफ दिखा दिया तो वह तोजन बरकरार ना रख सके। लड़खड़ाती हुई ड्रेसिंग टेबल की तरफ गिरी। टेबल की नोक माहिर के माथे पर लगी और गहरा निशान छोड़ गई। उसका सैर बुटन से चकराया था। खून की बूंद उसके माथे पर नमूदार हुई, जिससे अभियान ना दे सका। तभी दरवाजे पास जोर जोर से दस्तक हुई। अभियान का ध्यान माहिर से हटा। भाई जल्दी से दरवाजा खोलें। और दरवाजे की आवाज पर अभियान फौरन दरवाजे की जानब बढ़ा। दरवाजा खोला बिना पलटे, बिना माही को देखे। वो भाई नीचे नीदा। नूर फटते जिस बाब में बोल ना पाई थी। अभियान ने नूर की बात पूरी ना सुननी और फौरन नीचे की तरफ नूर के साथ ही तेज से लपका। जहां माही सर पर चोट लगने से सर पकड़ कर खड़ी थी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और चकरा कर वहीं पर जमीन पर गिर गए। नीदा अभियान नीता को सरबत बेगम के गले लगे देखकर आगे बढ़ा। नीता ने बाई को देखा तो फौरन अभियान के गले लगी। अभियान ने नीता को अपने सीने में बीच लिया। खुशी और आंसू एक साथ ही चेहरे पर ब्रश मारते। सभी खुश थे और वो रो भी रहे थे। प्रवेश साहब भी बहुत ही अफसुदा हो गए थे। सबके चेहरे अंदरूनी खुशी से जगमगार थे। कहाँ चले गए थे तुम? जानती हो क्या बीती है इन लम्हों में हम पर? अभियान ने निदा का चेहरा हाथों में लेते हुए कहा, भाई मुझे नौफल भाई लेकर आए हैं। निदा ने नौफल की तरफ इशारा किया तो अभियान नौफल की तरफ मुड़ा, जो कि चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। अभियान ने आगे बढ़कर नौफल को गले लगाया। सबसे मिलने के बाद नौफल ने सारी कहानी सुना डाली। निदा की शरारत से लेकर सिकंदर की उसे हिरासत में लेते और फिर सिकंदर की कार पर वो निदा को घर लेकर आया था और वो यहाँ पर अपने ही शैम पर मिशन में आया था और ये बात घर में किसी को ना पता थे। पर यूं सिकंदर के बुलाने और निदा के बारे में इल्म होते हुए नौफल परेशान हो गया था। देखो नौफल, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तुम्हारी बहन की ये शरारत उसे बहुत ही महंगी पड़ सकती थी। तुम जानती हो ये बात लीक ना हो, इसलिए तुम्हें बुलाया ताकि तुम खुद अपनी बहन को ले जाओ। यार मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? नौफल ने सिकंदर को गले लगाया। वो बहुत खुश था ऐसे मोहलिस दोस्त पाकर। निदा ये क्या हरकत थी, ऐसा कौन करता है? अभिया ने प्यार से निदा को पुचकारा तो वो मुंह बसो कर आ गया। सॉरी भाई, आइंदा मेरी तोबा जो मैं ऐसा करूँ। निंदा के बचकाना अंदाज पर कहने पर सभी मुस्कुरा दिए। आ जाओ बच्चों, खाना लग गया। फरवा बेगम ने मुस्कुराते हुए सबको बुलाया, जबकि नजरें अपने खूबरू बेटे से एक पल के लिए भी नहीं हट रहे थे। सभी डाइनिंग टेबल की तरफ खुशी खुशी बढ़े। अरे बेटा माही को भी बुला लाओ, वो भी सबके साथ डिनर खा ले। फरवा बेगम ने नूर से कहा तो उसने अस्पताल में सहलाया। अरे नहीं मम्मा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो गई है। अभिया ने फौरन से नूर को रोका तो फरवा बेगम परेशान हो गई। माही ठीक है ना बेटा, ज्यादा तबीयत तो नहीं खराब? अरे नहीं मामा, टेबल लेकर सो गई है, थोड़ा सर में दर्द था। आप टेंशन ना लें, चलें आए खाना खाते हैं। अभियान सरबा बेगम को मुतमिन करता अपने साथ लगाए डाइनिंग टेबल की जानब बढ़ा। सब ने आज कितने अरसे बाद खुशी से एक साथ वक्त बताया और खाना खाया था। खुद भी बहुत खुश थी माही की गैर मौजूदगी की वजह से। सभी नीता की वापसी से बेइंतहा खुश थे, जबकि माही दुनिया व माफिया से बेखबर कमरे के फर्श पर बेहोश पड़े थे। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, इतनी प्यारी आंखें, आंखों से छलकता हुआ प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार। यार रजा, ये सॉन्ग तो बंद करो, अजीब होते जा रही हो तुम। मेजर सिकंदर ने कैप्टन रजा को डपटा। जब से रजा को नौफल उनीदा वाली बात पता चली थी, तब से रजा सिकंदर को तंग कर रहा था। अरे सर, ये सॉन्ग सुने नहीं फील करें, रजा ने मुस्लिम संजीदगी से कहा, जबकि आंखों में शरारत आ जाती है। रजा मार खाओगे, मेजर सिकंदर ने आपके गुस्से से डपटा। अरे सर, आप तो बदल गए हैं एक ही दिन में, रजा मुस्लिम मसूमियत का लिपादा ओढ़ लिया। ड्रामेबाज अब सिर हो जाओ, काम की बात करें। जी जी बिल्कुल, वैसे सर भाभी बहुत प्यारी थी, बहुत। अब तो रजा ने हद कर दी थी। सिकंदर को मारने को उठा, लेकिन वो भी पाकर अपनी जान बचा चुका था।
अभियान जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो सामने गिरी हुई माहिर पर नजर पड़ी। अभियान तो सख्ती में आ गया था, वो तो भूल ही गया था कि वो माहिर को दिखा देकर गया था, और वो यूं उसे अंदाजा ना था। वो फौरन लपका माहिर को सीधा किया, उसके माथे पर चोट का निशान था। अभियान उसे होश में दिलाने की कोशिश की, माही माही उठो, उसके चेहरे पर थपकियां दी, लेकिन वो टस से मस ना हुई। नबस चाक की अजीब अंदाज में दिल धड़क रहा था, बस यही सोच रहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो। आगे वो सोचना नहीं चाह रहा था, नब्ज चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे होश में कैसे लाए। घर वालों को इन्फॉर्म करके परेशान ही कर सकता था। फिर एक फैसले पर पहुंचकर अभियान ने माहिर को बाहों में उठाया और नीचे ले आया। गार्ड ने अभियान को देखते हुए आगे बढ़ा, साहब जी, वह परेशान हुआ था। करीम बाबा, गेट खोलो और किसी को भी कुछ पता ना लगे। अभियान ने माहिर को गाड़ी की बैक सीट पर लटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। रेस्ट ड्राइविंग करते वह करीबी हॉस्पिटल पहुंचा। माहिर को उठाते वह हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, हवास पाता हुआ था। डॉक्टर ने अभियान को देखते हुए उसे डील किया। वह अभियान का दोस्त था। अभियान को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों माही के साथ इतना बुरा सलूक किया। वह लम्हे फिर से आंखों में घूमने लगे तो साथी से आंखें मोड़ दी। तस्वर में माही का मासूम और शरारती चेहरा लहराया तो दिल से दुआ निकली कि उसे कुछ ना हो। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने उसे रूम में बुलाया। अभियान, अब ठीक है, वो डोंट वरी, सर पर चोट लगने से वो बेहोश हुई थी। डॉक्टर बासत बोलते हुए अभियान का जायजा लेने लगा। थैंक्स गॉड, बेहतियारी अभियान के लबू से अदा हुआ। बाय द वे, ये हैं कौन? डॉक्टर बासन ने शक लहजे में कहा। अभियान ने अचंभे से अपने दोस्त को देखा। शी इज माई वाइफ, मजबूत लहजे में जवाब दिया। रियली? बासन जितना हैरान हो सकता था वो हुआ। हाँ यार, बस अचानक हुआ, अभियान थके अंदाज में बोला। डियर, बाबी की केयर भी करो, वो बहुत ही वीक है। इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा तो घर ले जाना, और ये कुछ मेडिसिन भी है, टाइम से देना और खाने का खास ध्यान रखना। डॉक्टर बासत माहिराना अंदाज में स्लिप अभियान की तरफ बढ़ाते बोले। अभियान ने स्लिप लेकर अस्पताल में साथ लाया। फिर कब दे रहे हो? अभियान जो जाने के लिए उठा था बासत की बार बार चौंका। सवाले नर्स उसको देखा तो डॉक्टर बासत मुस्कुराए। यार पार्टी, शादी काली पार्टी तो बनती है ना? अभियान ने मुस्कुराते हुए अस्पताल में साथ लाया और बाहर निकलाया। माही को होश आया तो वह खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। कुछ देर तो होशोहवास कायम करने में लगे, कि धीरे धीरे सब याद आ गया। बेहतियार हाथ माथे पर गया जहाँ पर बैंडेज बंधी हुई थी, जड़ से उठकर बैठ गई। आंखों से दो आंसू बह निकले, अपनी कम मायगी फिर से याद आने लगे। वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि मुझ पर शक कर रहे थे कि नीता को मैंने, वो मुझे क्या समझते हैं? मैंने तो कभी इस घर के किसी फर्द का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मुझ पर इल्जाम लगाया? उसे इस बात करती वो आंसू बहाती। नहीं बस, अब ओ नहीं, मैं अब वहां पर इस घर में वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। साथी से गालों से आंसू पहुंचे, पैसे पाँव नीचे उतारे लेकिन जूते गायब थे। इधर उधर तलाशा पर ना मिले मेरे जूते, मैं यहाँ कैसे आई? एकदम दिमाग में करंट लगा, अभियान लेकर आया। इससे पहले कि वह वापस आई मुझे यहाँ से जाना होगा, यही सोचते हुए उठने लगी कि चकराकर फिर से बैठ गई। कहाँ कहाँ जाऊंगी, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन एक बात कन्फर्म है, वापस नहीं जाऊंगी, दिल में तैयार करके उठी। अभी दो कदम भी ना चली कि अभियान मेडिसिन लिए रूम में दाल हुआ। माही ठटक कर रुकी, दोनों की नजरें मिली। कुछ चाहिए? नॉर्मल लहजे में पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहर, जहर चाहिए, मिल सकता है? चबा चबा कर कहा। ना चाहते भी अभियान का चेहरा मुस्कुराहट आ गए, जिसे वह मुंह फेंक कर बर्बाद छुपा गया। माही ने बाइक की तरफ कदम बढ़ाए। कहाँ जा रही हो? अभियान ने थके हुए अंदाज से पलट कर दरियाफ्त किया। जहन्नम में, और प्लीज अब मजीद कोई सवाल नहीं। माही ने हाथ उठाकर माथे पर तेवरी सजाए हुए बोला। इतने में अभियान सर पर पहुंच गया। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली। जड़ से अभियान ने माही को बाहों में उठाया और माही हैरान नजर से अभियान को देखने लगी। उतारे मुझे नीचे, ये क्या हरकत है? माही उसकी बाहों में मचली। अभियान उसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। हॉस्पिटल में इक्का दुक्का लोग ही थे और स्टाफ था, जो देखकर मैंने हेस हंसी हंस दी है। माही ने शर्म के मारे अभियान के सीने में मुंह छुपा लिया। मजाहमत बेकार थी, अभियान को कभी किसी की परवाह ना पहले हुई थी ना आज। वह हमेशा वही करता जो वह करना चाहता था। माही का मुंह छुपाना अभियान को बहुत ही भाया। फ्रंट सीट पर बिठाते सीट बेल्ट लगाकर वह ड्राइविंग सीट पर आ गया और गाड़ी डोर पर डाली। माहिर मुठियां बीच कर आएगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, बहुत मजबूत लहजे में कहा। अभियान होश खामोश रहा। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। माहिर गुस्सा जब्त करते हुए अभियान की जाने मुड़ी। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अभियान की लापरवाही माहिर को मजीद भड़का रहे थे तो ऊंची आवाज में बोली। अभियान ने गाड़ी गेट के अंदर दाखिल की और बाहर निकला। माहिर गाड़ी से उतरी, अभियान की साइकिल का दरवाजा खोलकर खड़ा रहा। खुद जाना है अंदर या मेरी बाहों में?
मैंने हेजी से कहा। माही की खूबसूरत आंखें मजीद फैल गई। वो सोच रह गई कि ये क्या करने वाला है, उसका इरादा क्या है। जब माही बाहर ना निकली तो अब्यान ने आगे बढ़कर उसको उठाना चाहा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, माही ने घबरा कर दोनों हाथों से अभियान को रोका। अभियान धीरे से मुस्कुरा कर पीछे हट गया। माही मड़े हुए कदमों से घर में दाखिल हुई और अंदर ही अंदर वो बहुत ही सर डरे थे। अभियान का अंदाज उसे खटक रहा था। ये इतनी रात को कहाँ गए थे दोनों, कहाँ से आ रहे हैं? फूट जो पानी के लिए उठी थी। अभियान और माही को रूम में जाता देखा और दोनों की पीठ ही देख सके, वरना माही के माथे पर लगी बैंडिश नजर पड़ती तो समझ जाती। दमा में ताने बाने बुनती वो अपने रूम में चलती।